हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं नरसिंहनाथ मंदिर उड़ीसा। उड़ीसा के पावन धरा पर वैसे तो अनेक प्रसिद्ध मंदिर तीर्थ स्थल है, मगर नरसिंह क्षेत्र का अपना ही एक विशेष महत्व रहता है। यहाँ पर देश विदेश से लोग इस पावन धरा पर पहुँचते हैं। प्रकृति के गोद में विराजमान गंधमादक पर्वत पर दुर्लभ जड़ी बूटी की खदान मौजूद है। यहाँ के घने जंगल, कपिलधारा के झरने बड़ा देखने योग्य है, जो सभी सैलानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर बात करें यहाँ हम लोग छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से अगर पहुँचने की, तो यहाँ पर बता दें अगर रेल से आए तो रायपुर से जो विजयनगरम लाइन पर रायपुर से महज 73 मील दूर नावपाड़ा रोड स्टेशन है, वहाँ से 22 मील पर यह तीर्थ स्थल है। नावपाड़ा से पाई कमाल पर बस सर्विस है। आगे केवल 1.5 किलोमीटर पर यह जो नरसिंहनाथ तीर्थ स्थल है वह है। यहाँ धर्मशाला भी है। यहाँ मुख्य मंदिर वैसे तो नरसिंह भगवान हैं, उसके अतिरिक्त यहाँ शंकर जी और जगन्नाथ जी का भी मंदिर है, और साथ ही साथ माँ काली की एक पहाड़ के ऊपर पर भी मंदिर उपस्थित है। वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पास मेला लगता है, जो बड़ा भव्य रहता है, जो देखने लायक होता है, जिससे विशाल जन समुदाय को देखा जा सकता है। इस स्थान पर अनेक प्राचीन मंदिर मूर्तियां विद्यमान हैं। जलधारा के किनारे चट्टानों पर तराशे देवताओं की प्रतिमा अद्भुत है। अभी जब आगे हम लोग जाते जाएंगे तो नरसिंह भगवान के दर्शन करेंगे, और उसके बाद और उस नरसिंह मंदिर, नरसिंहनाथ भगवान की मंदिर से अगर लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी एक पहाड़ी रास्ते से, सकरे रास्ता से अगर जाते जाए, तब हमें कपिलधारा मिलता है। अगर बात कर ले अभी जहाँ पास हैं हम लोग इस परिसर से, तो जो कपिलधारा की जो दूरी है महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर घने पहाड़ों पर कपिलधारा उपस्थित है। इसमें अपार जल भंडार है, और उसी जल में भक्त जन स्नान आदि करते हैं। वानर राज लाल मुख वाले बंदर इसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। यह बड़ा गुस्से स्वभाव के होने के कारण यह बहुत नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यदि उसको कुछ खाने को नहीं दिया गया तो वो भोजन सामान को छीन कर भी भाग जाते हैं। थोड़ा सावधान होकर रहना चाहिए, बाकी बंदर के होने से यहाँ रौनक तो और अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पहाड़ी के रास्ते हरिशंकर भी जाया जाता है, मगर रास्ता थोड़ा कठिन है। इस स्थान से पतोरा बांध काफी नजदीक है। पतोरा बांध में जो योगेश्वर शिव मंदिर, राम मंदिर, राजीव उद्यान देखने योग्य है। बारगढ़ स्थित नरसिंहनाथ उड़ीसा में सबसे प्रसिद्ध मंदिर धार्मिक स्थलों में गिना जाता है, जो भगवान विष्णु के नरसिंहनाथ अवतार को समर्पित है। नरसिंहनाथ एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में करवाया गया है। यह मंदिर 45 फीट ऊंचा है और 2 भागों में विभक्त है। पहले भाग में भगवान नरसिंहनाथ विराजमान है, और दूसरे भाग में 4 खंभे हैं जो 3 द्वारों का समर्थन
कर रहा है। आप इस मंदिर के माध्यम से ओडिशा की वास्तुकला को भली भांति समझ सकते हैं। मंदिर के अंदर कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो इस मंदिर के धार्मिक खूबसूरती को बढ़ाते हैं। आप यहां आध्यात्मिक अनुभव के लिए आ सकते हैं। नरसिंहनाथ मंदिर भारतीय राज्यों ओडिशा का एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह बारामगढ़ के पैकमाल के पास गंधमर्दन पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। यह मंदिर एक लोक कथा की वंदंती मार्जारा केसरी को समर्पित है। भारत के महानतम मंदिरों में एक के रूप में प्रसिद्ध नरसिंहनाथ मंदिर में विचित्र वातावरण है और इस रमणीयता के कारण भक्त सभी मौसमों में इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। यह है जो नरसिंहनाथ मंदिर के जो मेन गेट है, यहाँ से हम लोग जब जाएंगे तो आगे नरसिंह मंदिर भी हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर। अगर इसके चारों ओर देखें तो कितना वातावरण बड़ा शांत लगता है, एकांत लगता है। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। अभी पूजा और त्योहारों के बारे में अगर बात करें तो नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर यहाँ पवित्र बैसाख मेला लगता है। हर साल एक विशाल सभा को आकर्षित करता है। त्योहार यहाँ सौर और चंद्र ग्रहण के अवसरों पर भी होते हैं। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। चलो 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 अगर आगे चलते जाए इस जो स्थल थे वहां से, तो अगर इस सीढ़ी से चढ़ के जस्ट ऊपर अगर पहुंचते हैं यहाँ पास, तो इस जगह में जो हमको देखने को मिलने वाला है, देखिए यहाँ से जो ये जो राइट साइड मिल रहा है हमको, यह नरसिंहनाथ की बहुत पुरानी मंदिर है जो 13वीं शताब्दी की मंदिर माना जाता है। और अगर आगे जाएं तो अगर यहीं से जाते जाएं तो इस पर हमको महज यहीं से लगभग 3 किलोमीटर पर हमको जो झरना है वह देखने मिलेगा। कपिलधारा झरना की बात है करें। और यह जो स्थल है यहाँ से अगर जाए करीबन 100 मीटर की बातें कर रहे हैं, उस कंडीशन में यहाँ पास जो छोटा सा झरना देखने को मिल रहा है यहाँ पास, वहाँ पास लोग स्नान भी करते हैं। अगर यहाँ पास इस झरना के बाद यही मंदिर की बात करें, यही मंदिर है जो नरसिंहनाथ मंदिर है। और अभी अंदर घुसेंगे जो राइट साइड जो दिख रहा है उस पर, जब तक हम लोग इधर से आते हैं कपिलधारा झरने की ओर से,
अगर बात करें नरसिंहनाथ, यह एक छोटा सा गांव है जो पैकलमाल शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है और इस पैकमाल में स्थित मंदिर और पर्यटन स्थल जो बारामगढ़ जिले के पश्चिमी उड़ीसा में है। चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं जहाँ से कपिल धारा झरना आ रहा है और इसके साथ बता दे आपको, अगर नरसिंहनाथी की बात करें या नरसिंहनाथ की बात करें तो महज नरसिंह शब्द का अर्थ है आधा आदमी और आधा सिंह। नाथ का अर्थ होता है सिंह। मालिक और भगवान, आधा औरत और आधा शेर, इस तरह से नरसिंहनाथ का मतलब यही है, आदमी और शेर दोस्त जो मिला हुआ शब्द है। अगर हिंदू संस्कृति की बात करें, नारा सिन्हा या फिर कह दे विष्णु भगवान की जो 10 अवतार है उसमें से एक अवतार नरसिंहनाथ भी को माना जाता है। अगर इसकी वास्तुकला की बातें करें, ये देखिए छोटा सा झरना जिस पर लोग स्नान करने आते हैं, जो कपिल धारा से आते जा रहे हैं और जो नीचे की ओर पूरा जो चलते जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अगर इसकी वास्तुकला की अगर बातें करेंगे तो जो पाटनगढ़ के राजा बैजल सिंह देव ने 13वीं शताब्दी में, मतलब 1313 ईस्वी में इस ऐतिहासिक मंदिर की नींव रखी गई है। यह केवल 45 फीट ऊंचाई पर है, जिसे पहले भी कहा गया है हमने कि 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भगवान नरसिंहनाथ की सीट है और दूसरा जगमोहन के आवंटित किया गया है। अगर मंदिर में बात करेंगे, यहीं से जाते हैं नरसिंहनाथ मंदिर की ओर। अगर इस मंदिर के बारे में बात करें तो इस पर एंटी चैम्बर है जिसमें 3 गेट है और प्रत्येक में 4 खंभे हैं। इस मंदिर के बारे में अगर बात करें तो ओडिशा और देवनागरी शिलालेख के अनुसार मंदिर 15वीं शताब्दी की शुरुआत में बैजल देव द्वारा निर्मित हुआ। यह मंदिर
भारत के उड़ीसा क्षेत्र में प्रचलित देवला शैली की कलिंग वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। यष्टा मंदिर से अगर निकले तो मंदिर के दाहिने ओर से अगर ऊपर पहाड़ी पर चढ़े वहाँ पास जो दिख रहे हैं तो यहाँ से काली माँ की मंदिर भी उपस्थित है। यह जो मंदिर दिख रहा है हमारी बाई ओर वह जो कि नरसिंह भगवान की मंदिर है और यहाँ से पूरे पहाड़ी को भी देखा जा सकता है। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ ऊपर माँ काली मंदिर। चलिए यहाँ से अब वापस चलते हैं, शाम का समय हो चुका है और अगर आप यहाँ आते हो तो यहाँ के लिए लगभग आपको सिर्फ और सिर्फ इस जगह को घूमने के लिए, देखो उधर हनुमान जी का मंदिर है, गार्डन है, दाएं ओर भी गार्डन है, बाएं ओर भी गार्डन है, यहाँ मेला भी भव्य लगता है। तो अगर आप यहाँ आते हो तो कम से कम इस जगह में ही आपको 5 से 6 घंटे समय देना होगा जिससे आप इस पूरे वातावरण, जंगल, पहाड़, झरना सभी का आनंद ले सकते हैं।